बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे वी हैव टॉपिक द डिफरेंसेस बिटवीन टोकन रिंग एंड ईथरनेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट वी नीड लिटिल बिट डिस्कस व्हाट इज टोकन रिंग, देन वी डिस्कस व्हाट इज ईथरनेट, देन वील बी कंपेयर आवर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। Token ring is also a LAN technology. So in the token ring, a token ring passes over a physical ring. Token ring is defined by IEEE 802.5 standard. In token ring, there is a station and a special frame called token. So the token ring mein hamare paas kya hota hai? Shayad aage diagram aa jaye, par phir bhi dekhte hain. Token ring mein hamare paas kya hoga? एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, ठीक है, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन एंड नेक्स्ट स्टेशन। सो यहाँ से इनके साथ कनेक्शन होगा, या इनके साथ कनेक्शन होगा, या इनके साथ कनेक्शन होगा, इनके साथ कनेक्शन होगा, इनके साथ कनेक्शन होगा। और डेटा जो पास किया जाता है, इनके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है, उनको टोकन पासिंग कहा जाता है। सो टोकन पासिंग मतलब एक स्पेशल फ्रेम पास किया जाता है जिनको टोकन कहा जाता है। टोकन जो टोकन होगा वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जाएगा, फिर नेक्स्ट को जाएगा, फिर नेक्स्ट को जाएगा, फिर नेक्स्ट को जाएगा, फिर नेक्स्ट को जाएगा। सपोज ये स्टेशन वन है या नोड वन है, ये स्टेशन टू है, ये स्टेशन थ्री है, ये स्टेशन फोर है। स्टेशन मीन नोड, एनी डिवाइस विच इज कंप्यूटर इन द नेटवर्क, एंड स्टेशन फाइव। सो यहाँ से डेटा इसको, ये टोकन इसको पास होगा, फिर इसको पास होगा, फिर इसको पास होगा, फिर इसको पास होगा। जिसको पास होगा उसको क्या करेगा, अचीव कर देगा, रख लेगा, और जिसका नहीं होगा उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। सो इनके लिए टोकन पासिंग के लिए IEEE जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है IEEE 802.5। यानी इनका जो स्टैंडर्ड है वो ये कहलाता है, दिस वन। ओके जी, a station in a token ring can transmit data frame if it contains a token. So whenever a station want to transmit the data to another node in the network, so he must transmit data in the form of frame. Frame pass karega, aur frame kab pass karega, jab iske paas token hoga. So if it contains a token, so he can pass the frame or data in the form of tokens. So token ki surat mein kya hoga, data ek dusre ko पास करते रहते हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रेम टोकन आर पॉइंटेड, द टोकन रिंग इज अ स्टार शेप टोपोलॉजी एंड एंडल्स प्रायोरिटी इन विच सम नोड्स में गिव प्रायोरिटी टू द टोकन्स। सो देखो, अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, ये हमारे पास स्टेशन हैं। जब ये डेटा इसको पास करते हैं, ठीक है जी, सपोज डेटा इसको पास होना था, यहाँ से डेटा आ गया, इसको मिल गया, ये इसको पास करेगा, इसको रिसीव हो गया, ठीक है जी, ये क्या करेगा, ये टोकन को रिलीज़ कर देगा। टोकन को जब ये रिलीज़ कर देता है तो तब ये टोकन किसी और स्टेशन या कोई और सिस्टम इसको यूज़ कर सकता है। अगर हम और से देखें तो हमारे पास ये जो नेटवर्क बना हुआ है, ये स्टार उसके रिंग शेप्स होते हैं, ठीक है जी, या अगर आप देखें तो मज़ीद स्टार शेप भी बन सकते हैं हमारे पास। और इसमें स्टेशंस को क्या करते हैं, प्रायोरिटी भी देते हैं कि जी प्रायोरिटी, बाज़ों का सिस्टम्स देखते हैं कि जी इसको डेटा नहीं चाहिए, उसको चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है तो उसको इम्पोर्टेंट देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो प्रायोरिटी कैन बी आल्सो असाइन टू द टोकन फॉर द स्पेसिफिक नोड। इतने जरा एक नज़र देखते हैं, IEEE 802.3 ईथरनेट के लिए जो स्टैंडर्ड है वो ये यूज़ किया जाता है। IEEE 802.3 डिफाइन द ईथरनेट, इट यूजेस CSMA/CD मैकेनिज्म। वहाँ पर टोकन पासिंग था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CSMA/CD है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इफ मैनी स्टेशन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम टू टॉक, ऑल स्टेशन विल बी क्लोज। अगर एक काफ़ी ज़्यादा स्टेशन अवेलेबल है नेटवर्क में, ठीक है, सपोज
एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है, चौथा सिस्टम है, ठीक है जी, पांचवा है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है जी, एक पीसी, नेक्स्ट पीसी, नेक्स्ट पीसी, नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशंस, नेक्स्ट स्टेशंस, नेक्स्ट स्टेशंस, और ये डेटा सेंड करना चाहता है किसको, इसको, ठीक है जी। सो बाकी जो रिमेनिंग होंगे ना, रिमेनिंग दे शुड बी वेट, इनको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? अगर वेट ना करे तो याद रखिए फिर ये कोलिजन्स यहाँ पर अकर सकती है। सो ये कोलिजन कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पर, उसको कहते हैं कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, ठीक है जी, एंड कोलिजन डिटेक्शंस। इस टेक्निक की मदद से क्या करते हैं, ये इन स्टेशंस को कंट्रोल करते हैं कि जी कोलिजन ना हो। टू रिज्यूम देम वेट फॉर ए रैंडम टाइम, अनलाइक टोकनिंग इट डज नॉट एम्प्लॉय एनी वैराइटीज एंड इट्स लेस कॉस्टली देन टोकनिंग इन द नेटवर्क। पहली बात तो ये कि जी ये लेस कॉस्टली है, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू द टोकन रिंग। टोकन रिंग के मुकाबले में अगर हम ईथरनेट की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट कम होता है। और यहाँ पर दूसरी बात ये कि जी पैरिटी का कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह हमारे पास रिंग टोकर में पैरिटी दी जाती थी, यहाँ पर पैरिटी का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर वेट करना पड़ता है सब सिस्टम्स को, एक स्पेसिफिक टाइम, एक रैंडम टाइम के लिए उनको वेट करना पड़ता है कि जी कब इनकी बारी आती है। सो ये इसकी बड़ी बड़ी पॉइंट्स थे हमारे पास कि जी क्या है, कि एक तो ये कि जी इसका ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, CS 802.3 का स्टैंडर्ड है, और CSMACD टेक्निक यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, कोलिजन के कंट्रोल के लिए है। अब बात करते हैं इनकी डिफरेंसेस की, यानी हमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया देख लिया है, हमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट बन गया है। सो अब जरा इनके डिफरेंसेस देखते हैं, टोकन रिंग एंड ईथरनेट। इन द टोकन रिंग द टोकन पासिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड। सो टोकन रिंग में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसके लिए क्या यूज होता है, टोकन पासिंग टेक्निक यूज किया जाता है। वाइल ईथरनेट यूजेस CSMACD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक यूज करता है। सो यहाँ पर टोकन पासिंग डेटा की ट्रांसमिटिंग के लिए और यहाँ पर CSMACD यूज किया जाता है। इट्स अ बेसिक डिफरेंस। टोकन रिंग इज डिफाइंड बाय द IEEE 802.5 स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो दिस वन है, जबकि वेयर एज ईथरनेट इज डिफाइंड बाई IEEE 802.3 स्टैंडर्ड्स। दोनों के स्टैंडर्ड में भी क्या है, फर्क है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनका यूज हो रहा है, यहाँ पर तो नंबर इतना क्लियर नहीं है, पर हमें इधर मेंशन कर रहे थे थर्ड नंबर। टोकन रिंग इज अ स्टार, ठीक है जी। टोकन रिंग जो टोपोलॉजी यूज करता है स्टार यूज करता है, वाइल ईथरनेट इज अ बस शेप्ड। सो यहाँ पर बस शेप टोपोलॉजी यूज की जाती है और यहाँ पर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर हम मजीद देख लें इसकी दो तीन पॉइंट देख लें, टोकन रिंग कॉस्ट मोर देन ईथरनेट। टोकन रिंग एक्सपेंसिव है इम्प्लीमेंटेशन में एज कम्पेयर टू द ईथरनेट। यानी अगर ईथरनेट को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर टोकन रिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये कॉस्टली है एज कम्पेयर टू द ईथरनेट। वाइल ईथरनेट कॉस्ट 70% लेस देन द टोकन रिंग। सो देखो यहाँ पर तकरीबन रेशो भी दी गई है कि जी 70% इसकी कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू द टोकन रिंग। सो टोकन रिंग इज अ एक्सपेंसिव लैंड टेक्नोलॉजी, वाइल ईथरनेट इज अ लेस एक्सपेंसिव लैंड टेक्नोलॉजी। इन द टोकन रिंग टेलीफोन वायर इज यूज्ड। यहाँ पर जो वायर यूज किया जाता है वो कौन सा है, टेलीफोन ये वायर यूज किया जाता है। वाइल ईथरनेट कोएक्सियल केबल वायर इज यूज, और यहाँ पर जो वायर यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास टेलीफोन वायर और यहाँ पर हमारे पास कोएक्सियल केबल।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टोकन रिंग कंटेंस राउटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। वेल इथरनेट डज नॉट कंटेन राउटिंग इन्फॉर्मेशन, और इसमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो राउटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या करते हैं, राउटिंग टेबल अपडेट होते हैं राउटर्स में। सो राउटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से राउटिंग प्रोटोकॉल्स पास किए जाते हैं, जिनकी मदद से एक राउटर दूसरे राउटर को अपनी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। सो टोकन रिंग में ये नहीं है, और टोकन रिंग में है सॉरी, और जबकि ईथरनेट जो हमारे पास लैंड टेक्नोलॉजी है इसमें ये नहीं है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस। बहरहाल फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।